जी योगी सरकार का एक साल पूरा हो गया, इस एक साल की सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे काम करेंगे? इस एक साल की सरकार को हम बहुत अच्छे से इसलिए नहीं ले रहे, जिन मुद्दों पे ये सरकार चुनी गई थी उसकी कोई इस तरह से रूपरेखा नहीं आई। मैंने स्वतः भ्रष्टाचार पे लिखा, उसकी भी कोई खास नहीं लगा मुझे असर, और जब जांचें करनी तो हम ही कर लेते उसकी चीज़ों की, और न विकास के लिए हमने कई जगह लिखा, सड़कों के लिए लिखा, तमाम विषयों पर लिखा, कोई काम नहीं हो रहा है। और नेतागण जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी की सुनते नहीं है। वकीलों के लिए भी उन्होंने, अभी हम चर्चा कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी ने लिखा था 70 साल कर देंगे, जो 7 साल पे देते थे 10 लाख करेंगे, वो भी अभी उस पर भी वकीलों का अभी कोई नहीं हुआ। काउंट कितने में करेंगे, 10 अंक में से कितने नंबर देंगे एक साल के कंक्लूजन? तो 5 दे देंगे, 50-50 कर देंगे। अभी और काम करने की जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। अपराध कम हुआ है या बढ़ा है? अपराध का ग्राफ जो है एक्चुअली कम हुआ है। आदमी अपने को पूर्ण सुरक्षित समझ रहा, अभी तो नहीं समझ रहा है लेकिन समझने लगेगा। अगर एक वर्ष में जो परिणाम आया है बहुत अच्छा है, जिससे आम जन आदमी को एक आशा है कि आगे जो है हमें बहुत ही सुरक्षापूर्ण सरकार मिलेगी। कमी आ रही है, देखिए क्राइम पे कंट्रोल हम तब मानेंगे जब हमारी माँ बहनें जो है रात में भी मार्केट से आने जाने में उन्हें कोई संकोच ना हो। एक साल की सरकार में हम 10 में 7 नंबर देंगे जो सफलता की है, अभी 3 नंबर बाकी है और 4 साल बाकी है सरकार। उम्मीद है कि ये, हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हमारी सरकार जो है कि 10 में 10 नंबर भी हमसे लेने में सक्षम होगी। ये सरकार जो बनी है, लोग तो ये सोच रहे थे कि क्या नाम है, लॉ एंड ऑर्डर सख्त रहेगा। पिछली बार जो बीजेपी की सरकार देखी है, कल्याण सिंह की, राजनाथ सिंह जी की, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सख्त रहा। इस सरकार में जो एक साल हो गई है, जो योगी जी जिस हिसाब से मुख्यमंत्री बने थे, लोगों को लगा था कि अब क्या नाम है, लॉ एंड ऑर्डर सख्त रहेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और ख़राब होता चला जा रहा है और मुख्यमंत्री जी इस पर और ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पिछली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कुछ वैसा लोग समझते थे कि गड़बड़ है, और उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर क्या नाम है, और विकास तो हो रहा था, लेकिन अभी ना कोई विकास की रफ्तार दिख रही है ना कुछ दिख रहा है। एक साल के 10 में से 10 तो अभी 5 ही नंबर मिले। सरकार ये एक फेल सरकार है आम जनता के लिए और आम नागरिक के लिए। हमारे यहाँ इटावा नज़दीक है मध्य प्रदेश से, यहाँ खनन माफिया बहुत हैं और खनन का कार्य हो रहा है, पर खनन का कार्य उनका रुक रहा है जो अंडरलोड आ रहे हैं, जो ओवरलोड ट्रक आते हैं उन्हें नहीं रोका जाता, वो निकल रहे हैं पुलिस की सेटिंग से सब कुछ, और पुलिस राज चल रहा है इस वक्त प्रदेश में। भाजपा सरकार नहीं चल रही, पुलिस राज चल रहा है, पुलिस की सरकार चल रही है, पुलिस सब काम कर रही है। जब बालू नहीं आएगी तो मकान नहीं बनेंगे, मकान नहीं बनेंगे तो मजदूर, राज मिस्त्री, ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार नहीं, वकीलों के लिए कोई इन्होंने नहीं किया। हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने मांग की थी कि हमारे यहाँ जो 60 साल से पहले जो व्यक्ति मर जाता है उन्हें 5 लाख रुपया मुआवजा था, सपा सरकार ने किया था। पहले 50,000 मिलता था, सपा सरकार ने उसे 5 लाख किया। इनके यहाँ जो हमारी पत्रावली गई थी उन्होंने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। और वकीलों, सबसे ज़्यादा हत्याएँ एक साल में अधिवक्ताओं की हुई है जब से बीजेपी सरकार बनी है। एक साल में इस सरकार ने गुंडों, माफियों, अवैध कब्जा करने वालों, अपराधियों पर बेहद प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया है, अपराधों पर नियंत्रण लगा है, अपराधी छेद छुका भागे हैं, जो नहीं भागे फिर भी अगर लगे रहे अपराध में वो मारे गए हैं। इसलिए हर क्षेत्र में शांति है। योगी सरकार की सोच विकासपरक सोच है, जिससे जनता में योगी के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति नया विश्वास जगा है। 10 में तो 10 अंक हम तो देते हैं, जिससे एक साल में काम हुआ है, बाकी 4 साल अभी शेष हैं, सामने रिजल्ट आ गया। अच्छी सरकार लग रही है, क्योंकि योगी सरकार ने जो भी कहा वो निश्चित तौर पर प्रयोग दिख रहा है। जैसे उनका एक मैंने
टीवी पर पे सुना था न्यूज में कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ देंगे अन्यथा ठोक दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर वो अपनी मानक पर सही और खरे उतरे। अपराधियों ने क्या तो सरेंडर करना चालू कर दिया अन्यथा ठोक दिए गए। भय व्याप्त तो जब तक किसी सरकार का नहीं होता तब तक निरंकुश होते अपराधी, और निश्चित तौर पर अपराधियों पर भय व्याप्त हुआ है। इसलिए पहला काम तो ये है, 90% जनता अपने हाल पर जीती है, 10% केवल चाटुकारिता नेतागिरी में किसी भी दल में रहते हैं। 90% जनता उन्हें लाइक इसलिए कर रही है कि पहले तो भयमुक्त सरकार होनी चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित तौर पर भयमुक्त सरकार होगी। सेकेंडरी, लोगों को जैसे भर्तियाँ पिछली हुई जितने घोटाले हुए, तो हमने जहाँ तक अखबारी न्यूज़ से देखा हर सरकार की घोटाले की वो परतें खोलती चली जा रही हैं। यहाँ सभी के लिए समान रोजगार, समान विचार, समान शिक्षा का जो अभियान चल रहा है, और जैसे उनके उपमंत्री दिनेश शर्मा ने जो नवी नकल विहीन परीक्षा कराई है, इससे निश्चित तौर पे जो पढ़ने वाले लड़के हैं उन्हें भी प्रतिभा निखर के आएंगी। तो योगी सरकार में जितने भी एक साल में कार्य हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सरकार बहुत अच्छी सरकार दे रहे हैं, भविष्य में उनसे उम्मीद करते हैं कि अच्छी सरकार देंगे। 8 अंक देंगे, वेरी गुड, अच्छी सरकार और अच्छी दिशा में जा रही है। एक साल की सरकार को हम बहुत सराहनीय प्रशंसा करते हैं। इस एक साल की सरकार में गुंडे माफियों पर अंकुश लगा है, राजस्व की बढ़ोतरी हुई है, लोगों में अपने आप को जीने का साहस बढ़ा है। और शिक्षा को लेकर, आप शिक्षा को लेकर अभी सरकार ने कोई अधिक प्रयास नहीं किए, उसमें अभी ये नाकाम है। नकल विहीन परीक्षा में कोई सुधरण उन्होंने व्यवस्था नहीं की, नकल बराबर हो रही है। चीजों को लेकर चले थे जैसे एंटी टास्क फोर्स है, एंटी रोमियो स्क्वाड है, हाँ ये दोनों कुछ जुमलेबाजी थी, ये सभी फेल हो गए। भूमाफिया टास्क फोर्स फेल हो गया। लेकिन थोड़ा प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, ने पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, पुलिस थानों के जो बेचने का काम बंद हो गया है, अधिकारी थोड़े निर्भीक और निष्पक्ष आ गए, उससे थोड़ा निरंकुश हुआ है शासन। अदरवाइज और कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता ये महसूस करे कि नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें हम अभी 5 अंक देंगे क्योंकि अभी 4 साल बाकी है।